फ्रेंच बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और राजकुमार संतोषी की फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आमिर खान, राजकुमार संतोषी और सनी देओल की फिल्म साल 2025 में रिलीज होगी। सनी देओल के साथ इस फिल्म में प्रीति जिंटा बॉलीवुड में वापसी करेंगी। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान, राजकुमार संतोषी और सनी देओल इस फिल्म को 2025 के गणतंत्र दिवस वाले वीकेंड पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। फिल्म मेकर्स जून 2024 तक फिल्म की शूटिंग पूरी कर लेंगे। फिल्म को एक विशाल सेट के साथ एक स्टूडियो सेटिंग में शूट किया जा रहा है। राजकुमार संतोषी निर्देशित इस फिल्म में न्यूनतम VFX होगा, क्योंकि इसमें वास्तविक ड्रामा और एक्शन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान और राजकुमार संतोषी का मानना है कि गणतंत्र दिवस वाले वीकेंड पर फिल्म को रिलीज करना अच्छा आइडिया है। गदर 2 की भारी सफलता के बाद अभिनेता सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में आमिर खान कैमियो करेंगे। फ्रेंड्स, बता दें, गदर 2 की सक्सेस पार्टी के दौरान आमिर खान ने सनी देओल को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट असगर वजाहत के फेमस प्ले जिस लाहौर नहीं देखिया हो जन्मिया नहीं पर आधारित है। हालांकि फ्रेंड्स, आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आपका इस मूवी के बारे में क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।